थर्ड केस रहेगा, थर्ड टाइप रहेगा प्रोनाउन का यूज करने का, जो तीसरा तरीका है वो हम कह सकते हैं कि कौन सा है, पजेसिव केस। ठीक है ना, पजेसिव केस में क्या होगा, वहां पर सेंटेंस में क्या बताया जाता है, पजेशन बताया जाता है, ओनरशिप बताई जाती है। ओनरशिप बताई जाती है कि किसी व्यक्ति या वस्तु का ओनर कौन है, किसको वह बिलोंग कर रही है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति या वस्तु, तो ऐसा पजेशन बताया जाए वहां कि हाँ नहीं, एकाधिकार बताया जाए, अधिकार बताया जाए कि यह वस्तु मेरी है। तो यदि सर्वनाम का यूज हम पजेसिव केस में करें, है ना, या पजेसिव टाइप से हम करें, तो वो किस केस के अंतर्गत आएगा, पजेसिव केस के अंतर्गत आएगा। ठीक है, पजेसिव केस को ही हम जेनेटिव केस भी बोलते हैं। कौन सा, जेनेटिव केस। ठीक है, तो दो नाम, सिंपली नाम हमारे यूज के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, तो वहां से हम समझ सकते हैं, जैसे सब्जेक्टिव केस तो प्रोनाउन का यूज एज अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस तो प्रोनाउन का यूज एज अ ऑब्जेक्ट की तरह हो जाएगा। ठीक है, और पजेसिव केस मतलब एज अ पजेशन की तरह। तो ये तो नाम से पता चल गया, दिक्कत कहाँ है, जैसे कि ये दूसरा नाम क्या है उसका, नॉमिनेटिव केस। ठीक है ना, स्कूल का नाम, ठीक है, घर का नाम सब्जेक्टिव है, क्योंकि आसानी से जो नाम हम याद कर लेते हैं तो वो पेट नेम हो जाते हैं ना घर में हमारे। ठीक है, छोटा सा नाम रख लिए जो आसानी सभी लोग बोल सके, और स्कूल की मार्कशीट में, स्कूल में जो दाखिला लेते हैं वहां पर नाम हमारा डिफरेंट रहता है, तो जो आसानी से समझ सके वो पेट नेम। तो ये हमारे ऊपर वाले सारे पेट नेम, और ये स्कूल वाला नाम है भाई, बड़ा सा लंबा सा चौड़ा सा। ठीक, तो नॉमिनेटिव केस, एक्यूसेटिव केस एंड जेनेटिव केस। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होगा, तो पर्सनल प्रोनाउन यदि सेंटेंस में क्या, प्रोनाउन यदि सेंटेंस में कोई वर्ड बोल सकते हैं, ऐसे वर्ड जो, या बोल सकते हैं ऐसे प्रोनाउन जो किसकी तरह काम करें, या तो सब्जेक्ट की तरह काम करें। ठीक है, या तो सब्जेक्ट की तरह काम करें पहला, या तो फिर ऑब्जेक्ट की तरह काम करें, या तीसरा किसी से संबंध बताएं। संबंध बताते हुए यदि प्रोनाउन का यूज किया जा रहा है, किसी सर्वनाम का यूज किया जा रहा है, तो ऐसे सर्वनाम ही हमारे क्या कहलाते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। बात समझ में आएंगे, एग्जाम में कभी भी डेफिनेशन नहीं आएंगी हमारे। ठीक है, हमें बस समझना है कि क्या कहलाते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, नाम से भी क्या पता चला, पर्सनल मतलब ऐसे प्रोनाउन जो खुद को बिलोंग करते हैं। पर्सनल मतलब क्या होता है, ये मेरी बात पर्सनल है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता, मतलब मेरी खुद की, खुद में रहने वाली। तो पर्सनल प्रोनाउन जब हम खुद की बात करें ना, खुद से मतलब किसी लड़के लड़की भाई बहन ऐसे संबंध बताते हुए यदि हम बात करें, ठीक है ना, व्यक्तियों को लेकर यदि हम बात करें इस तरीके की, पर्सनल मतलब व्यक्तिवाचक, जिससे किसी व्यक्ति का पता चल रहा है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, कोई भी हो, बहुत सारे बच्चे हो, कम हो, कोई भी हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या, हम यहाँ पर यूज करेंगे पर्सनल प्रोनाउन का। ठीक है, सबसे पहली बात ये हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम केस देखेंगे, तो हमें यहाँ पर सात टाइप के, सेवन टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन यहाँ पर देखने हैं कि इनका यूज कैसे होता है और किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। ठीक है, ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक यहाँ पर हमने पर्सनल प्रोनाउन से रिलेट करती हुई एक यहाँ पर हमने एक टेबल बनाई हुई है, और इस टेबल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले यदि हम देखें, ठीक है, कि सब्जेक्टिव केस के ये प्रोनाउन, देखिए ये यहाँ पर केस दिए हुए हैं। ठीक है, सब केस दिए हुए हैं, और इन केस के नीचे जो प्रोनाउंस है ना, ये क्या है सारे, ये प्रोनाउंस। ठीक है, ये प्रोनाउन नहीं, ये प्रोनाउन। ठीक है, इसके बारे में जब हम पहुंचेंगे तो बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रोनाउन, ठीक है, तो ये टोटल कितने प्रोनाउन होते हैं यहाँ पर हमारे, यदि हम बात करेंगे टोटल यहाँ पर हमारे हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, टोटल हमारे 7 प्रोनाउन रहेंगे।
जो किस कैटेगरी में आते हैं, हमारे पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं, सेवन प्रोनाउन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्टिव केस, है ना, नॉमिनेटिव केस या कर्तावाचक केस बोल सकते हैं हम यहाँ। तो यहाँ पर जो प्रोनाउन है, ठीक है, तो प्रोनाउन हमने सबसे पहले देखा आई, ठीक है, आई। सेकेंड आता है हमारा वी, फिर आता है यू, फिर आता है ही, फिर शी, इट, दे एंड आई एंड यू। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पर सेंटेंस में देखेंगे आई वी यू ही सी इट दे, ये हमारे क्या है, प्रोनाउन है, मेन प्रोनाउन है, और इनको हम इन्हीं फॉर्म जैसे ये लिखे हैं उन इन्हीं फॉर्म में हम सब्जेक्टिव केस की तरह काम करेंगे, जब ये हमारा किसकी तरह काम कर रहा हो, कर्ता की तरह काम कर रहा हो। ठीक है, सब्जेक्ट की तरह मीन्स कर्ता की तरह काम कर रहा हो। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात जान लेते हैं हम कि इनमें सिंगुलर कौन सा है और प्लूरल कौन सा है। ठीक है ना, कर्ता है तो भाई कर्ता रहेंगे, तो जैसे कि हमने नाउन नाउन्स देखी है कि नाउन यदि नंबर की बात करें, सिंगुलर नंबर रहता है और प्लूरल नंबर रहता है, एक वचन और बहुवचन। तो सर्वनाम में भी तो उन एक वचन और बहुवचन वाली सिंगुलर और प्लूरल वाली नाउन को रिप्लेस करने के लिए हमारे पास ऐसे प्रोनाउन भी तो होने चाहिए जो कि क्या बता सके, डिस्टिंग्विश कर सके दोनों में, डिफरेंस बता सकें, डिफ्रेंशिएट कर सकें कि सिंगुलर नाउन के लिए ये वाला प्रोनाउन, ठीक है ना, और प्लूरल नाउन के लिए ये वाला प्रोनाउन। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि इन सात में से कौन कौन से जो ऐसे प्रोनाउन है जो सिंगुलर है और कौन कौन से प्लूरल। ठीक है, तो आई की बात करेंगे तो आई क्या है हमारा सिंगुलर, वी क्या है हमारा प्लूरल, ठीक है, यू क्या है, तो यू को हम एज अ सिंगुलर भी यूज कर लेते हैं और प्लूरल भी यूज करते हैं। ठीक है ना, तो ये हम बोल सकते हैं सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही है। ठीक है, कैसा है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही की बात करेंगे तो सिंगुलर, शी की बात करेंगे तो सिंगुलर, इट की बात करेंगे तो सिंगुलर, और डे की बात करेंगे तो प्लूरल। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ हमारे पास सात में से तीन प्लूरल आ रहे हैं। ठीक है, सात में से तीन प्लूरल प्रोनाउन यहाँ पर आ रहे हैं, कौन कौन से, वी एंड दे, और तीसरा जो यू है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों की ही कैटेगरी में आ रहा है। बात समझ में आई यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल क्यों रखा, क्योंकि हमें पता है कि प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन के प्लेस पर यूज होता है, नाउन के प्लेस पर यूज होता है, और हमें ये भी पता है कि नाउन सिंगुलर या तो सिंगुलर होती है या तो प्लूरल होती है। ठीक है, अब ये तो हमने कुछ वर्ड्स यूज कर दिए, अब लेकिन ये बड़ी समस्या हो गई कि भाई जब नाउन सिंगुलर है और प्लूरल है, ठीक है, सिंगुलर है और प्लूरल है, तो प्रोनाउन भी तो सिंगुलर और प्लूरल, उनको प्रदर्शित करने के लिए हम एक ही तरीके से तो नहीं बता पाएंगे ना, नहीं तो फिर हम समझ कैसे पाएंगे कि किसी सिंगुलर नाउन की बात हो रही है और प्लूरल नाउन की बात हो रही है। इसीलिए यहाँ पर दो तीन यहाँ पर हमने जो प्रोनाउन की बात कर रहे हैं वो कैसे हैं, प्लूरल, कौन कौन सा, वी, दे एंड यू, बाकी हमारा हुआ आई, यू को भी हम यहाँ इस कैटेगरी में फिर से काउंट करेंगे, ही, शी, इट, ये हमारे कैसे प्रोनाउन हो जाएंगे, सिंगुलर प्रोनाउन हो जाएंगे। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल समझ में आया। चलिए अब यदि बात करें हम, ये तो हमारे क्या हो गए, नॉमिनेटिव केस हो गया सिंगुलर और प्लूरल का। ठीक है, तो ये सीधी सी बात है, यदि आई यहाँ पर सिंगुलर लिखा हुआ है तो यहाँ पर वाले भी ये कैसे हो जाएंगे, सिंगुलर ही हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में, ये कैसे हो जाएंगे, सिंगुलर ही हो जाएंगे। ठीक है, अब देखेंगे हम ऑब्जेक्टिव और एक्यूसेटिव केस में ये कैसे चेंज होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस मतलब यहाँ पर हो जाएगा हमारा कर्म। ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म हो जाएगा, कर्मकारक। ठीक है, तो किस पर इफेक्ट पड़ रहा है हमें ये देखना है। ठीक है, तो यदि
हम देखें तो यहां पर आई का क्या हो जाता है, चेंज होकर जो काम आई का है ना वही काम क्या हो जाता है, मी का हो जाता है। आई को हम चेंज कर देते हैं ऑब्जेक्टिव केस में, क्या हो जाता है, आई का हो जाता है मी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वी का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा यहाँ पर हमारा अस। ठीक है, यू का क्या चेंज हो जाएगा, यू का हो जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहेगा। ठीक है, फिर ही का हिम, शी का हर, ठीक है, इट का इट, दे का दे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई मी, वी अस, यू यू, ही हिम, she, her, it, they का they हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात होगी ऑब्जेक्टिव केस में कि जहाँ पर प्रोनाउन जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह यदि काम करे या उसको जो उसका यूज है हम ऑब्जेक्ट की तरह करवा रहे हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम हमारे इसकी पजेसिव केस की तरह, पजेसिव केस की तरह। तो पजेसिव केस में हमने देखा है कि यहाँ पर हमने दो यहाँ पर क्या बनाए, हमारे कॉलम बनाए। ठीक है, तो पजेसिव और जेनेटिव केस में पहला कॉलम जो है वो एडजेक्टिव को शो कर रहा है और दूसरा कॉलम जो है वो प्रोनाउन को यूज कर रहा है। ठीक है, पहला जो कॉलम है पजेसिव केस का वो पजेसिव और जेनेटिव केस ऑफ एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा यहाँ पर जितने भी इसमें वर्ड्स लिखे हुए हैं, और यहाँ पर जो वर्ड्स हैं वो प्रोनाउन। ठीक है, इनसे हमें अभी मतलब नहीं जब तक हम एडजेक्टिव नहीं पढ़े। ठीक है, हमें मतलब किससे है अभी, हम क्योंकि प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर माइन और Yours, his, hers, its and theirs. तो पजेसिव केस में क्या हो जाएगा, जब कभी भी सेंटेंस में पजेशन बताया जाने लगे, ठीक है, या ओनरशिप बताई जाने लगी किसी से, किसी व्यक्ति से, तो हम वहाँ पर पजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, और यदि हम एडजेक्टिव की तरह पजेशन बताना है तो हम एडजेक्टिव में हम इन वर्ड्स का यूज करेंगे, एडजेक्टिव का यूज करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही हमने मीन आई से ही चले तो आई का ये पजेसिव केस प्रोनाउन क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइन। ठीक है, फिर वी का क्या हो जाएगा, आर। ठीक, यू का योर्स, फिर क्या है यहाँ पर, ही का हिज, शी का हर्स, फिर इट का इट, एंड लास्ट वन इज दे का क्या हो जाएगा यहाँ पर, देयर्स हो जाएगा। ठीक है, किसकी बात, पजेसिव और जेनेटिव केस ऑफ प्रोनाउन की। ठीक है, तो ये सात सात। ठीक है, तो यदि हम केस के अकॉर्डिंग देखें वैसे कितने हैं, मेन सेवन है, और यदि हम केस के अकॉर्डिंग देखें तो टोटल कितने हो जाएंगे, थ्री केस है, तो सेवन थ्री जा 21, तो 21 यहाँ पर प्रोनाउन हो जाते हैं। ठीक है, यूज के अकॉर्डिंग इनके, बट मेन यही रहेंगे, इन्हीं के अकॉर्डिंग ये चलते हैं, चेंजेस इनमें होते हैं, हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा सेवन केस हो जाएंगे। अब जहाँ पर हमने देखा कि एडजेक्टिव इनका यूज क्या होता है, जब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे थोड़ा सा यहाँ पर देखें कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, तो ऐसे वर्ड जो नाउन की विशेषता बतलाए एडजेक्टिव कहलाते हैं, नाउन के बारे में कुछ क्वालिटी बताएं अच्छी या बुरी, एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो जब हम एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे तो आई का क्या हो जाता है, माय, वी का आर, यू का योर, ही का हिज, शी का हर, इट का इट्स, एंड लास्ट वन इज दे का क्या हो जाएगा, देयर। अभी हम प्रोनाउन पढ़ेंगे तो हमें इस कॉलम से मतलब नहीं, हम इन कॉलम को देखना। ठीक है, तो तीन केस के अकॉर्डिंग कौन कौन से, सब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग क्या क्या हो जाएंगे, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। फिर यदि हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव केस की, तो मी, अस, यू, हिम, हर, इट एंड देम। और यदि हम बात करेंगे पजेसिव केस की, तो यहाँ पर हो जाएगा माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स एंड देयर्स।